डाकू या भगवान? चंबल के डाकू विश्वविख्यात हैं। इन डाकुओं की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं, तभी तो आज भी इनके जीवन पर फिल्में बन रही हैं। ।1955 में पुलिस और सेना के साथ एक एनकाउंटर में मारे गए डाकू मान सिंह को भले ही प्रशासन की नजर में गुनाहगार कहा जाता हो, लेकिन अपने इलाके में वो किसी देवता से कम नहीं था। तभी तो उसके गांव खेड़ा राठौर में एक मंदिर है जिसमें लोग आज भी सम्मान पूर्वक मान सिंह की पूजा करते हैं। मंदिर डिजाइन और वास्तुकला में किसी भी अन्य उत्तर भारत के परंपरागत मंदिरों के समान है। ये एक बढ़ते शिखर, छत वाले प्रवेश द्वार और आंतरिक गर्भगृह से बना हुआ एक मंदिर है। वेदी पर 33 करोड़ हिंदू देवी देवताओं में से कोई नहीं है, बल्कि एक गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड वाला एक बड़ी घुमावदार मूछधारी व्यक्ति है, डाकू मान सिंह। मंदिर में उसकी पत्नी गायत्री देवी की भी प्रतिमा है। चंबल घाटी और दूर दूर से लोग संगमरमर की इन मूर्तियों का आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। मान सिंह के मंदिर में न केवल नियमित रूप से आरती होती है, बल्कि अनुष्ठान करने के लिए यहाँ एक पूर्णकालिक पंडित भी है। फूलन देवी के दस्यु सुंदरी बनने से कई साल पहले मान सिंह ने चंबल के इलाके में एक किंवदंती के तौर पर ख्याति अर्जित की थी। पुलिस ने उसके खिलाफ करीब 112 डकैती, 185 हत्याओं के मामले दर्ज किए थे। जानकारों के मुताबिक मान सिंह ने पुलिस के साथ हुई 80 से ज्यादा मुठभेड़ों में करीब 32 पुलिस कर्मियों को मार दिया था, उनकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने मान सिंह को खामोश करने के लिए कई ऑपरेशंस चलाए, जिनकी लागत करीब 1.5 करोड़ रुपए आई, लेकिन चंबल में वो देवता की तरह पूजा जाता रहा। मान सिंह दस्युओं का सरगना था। चंबल की घाटी को उसने अपना खास इलाका बनाया और यहीं रहकर सारी घटनाओं को अंजाम दिया। 1939 से 1955 तक पूरे इलाके में मान सिंह की तूती बोलती थी। अगर उसकी जमीन पर कब्जा नहीं हुआ होता तो शायद वो डाकू नहीं बनता, लेकिन साहूकारों ने उसकी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया, जिस वजह से उसे बिहड़ का रास्ता अख्तियार करना पड़ा। जानकारों के मुताबिक चंबल में डाकू बनने की अधिकतर घटनाएं जमीन पर कब्जा किए जाने के कारण ही होती है। जमीन पर कब्जा होने के बाद मान सिंह ने उसे छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। इसके बाद उसे लगा कि अब राजपूतों के वर्चस्व को खतरा है, इसलिए उसे बचाए रखने और अपनी जमीन वापस लेने के लिए उसने जुल्म ढाने वाले लोगों को सबक सिखाने का फैसला किया। 17 डाकुओं के साथ मिलकर मान सिंह ने एक दल बनाया, जिसमें अधिकतर उसके भाई भतीजे शामिल थे। महिलाओं की इज्जत करना उसके दल का सबसे पहला कर्तव्य था। वो महिलाओं पर आंच नहीं आने देता। बुजुर्ग बताते हैं कि डकैती के दौरान किसी भी डकैत साथियों को यह हिदायत रहती थी कि कोई भी महिला पर हाथ नहीं डालेगा। स्वेच्छा से जो गहने उतार कर दे देवे वो ले लो। तभी तो सिर्फ बलात्कार का आरोप लगते ही उसने गैंग के एक महत्वपूर्ण सदस्य सुल्ताना को बाहर का रास्ता दिखा दिया। एक बार डकैती के दौरान खेड़ा राठौर के आसपास की लड़की सामने आई तो पैर छूकर उसका पूरा जेवर लौटा दिया। मान सिंह ने गरीब लड़कियों की शादी करवाने और भात पहनाने तक का काम किया। डाकू मान सिंह ने ही चिट्ठी भेजकर फिरौती मांगने की परंपरा शुरू की थी। उस समय 2 से 4 हजार रुपए की फिरौती ली जाती थी। मान सिंह को जब पता चलता कि किसी गरीब पर अत्याचार हो रहा है तो गांव में जाकर पंचायतें करता
उसका फैसला सबको मंजूर होता था। उसके करीबी बताते हैं कि कमजोर लोगों को वो कभी अपना शिकार नहीं बनाता। मजबूर और कमजोर लोगों को हक दिलाने के लिए वो खूनी खेल भी खेल जाता। उसके खिलाफ लूट और हत्या के कई मामले दर्ज थे, लेकिन उसने जीवन में कभी किसी महिला का अपहरण नहीं किया, ना ही किसी बच्चे की हत्या की। यही वजह है कि आज भी मानसिंह को उसके इलाके में कोई डाकू बोलने की हिम्मत नहीं करता है। मानसिंह के हमले इतने खतरनाक हो गए थे कि 1945 में उसे पकड़ने के लिए पुलिस के अलावा सेना के जवानों को भी तैनात कर दिया गया, लेकिन कोई खास फायदा नहीं हुआ। घाटी में इस बात ने जोर पकड़ लिया कि मानसिंह अजय है। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तब सरकार ने आम माफी की घोषणा की थी। उस दौरान कुछ समय के लिए मानसिंह अपने गांव लौट आया। लोगों ने उसे राजा मानसिंह का तमगा दिया, लेकिन पुराने विवाद उसे बेचैन करने लगे। उसने कुछ और हत्याएं की और फिर बिहार में लौट गया। 1955 में मानसिंह का दल गांव में डेरा डाले हुए था। रात को मुखबिर ने पूरे दल को दूध में नशीला पदार्थ खिला दिया। सभी डाकू अर्धबेहोशों की हालत में सो गए। इस दौरान पुलिस आ गई, गोलियां चली। एनकाउंटर में मानसिंह का दाहिना हाथ रूपा और अन्य सदस्य जिन्होंने दूध नहीं पिया था वे बचकर भाग निकले, लेकिन मानसिंह और उसका बेटा सूबेदार सिंह मौके पर ही गोलियों का शिकार हो गए और उनकी मौत हो गई। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक मानसिंह का एनकाउंटर मेजर बब्बर सिंह थापा ने किया। मानसिंह के व्यक्तित्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक बार प्रसिद्ध गांधीवादी SN सुब्बाराव ने उसे मंच से भाषण देते हुए सुना। उसके शब्दों के चयन और भाषण देने की शैली उसको देखकर वे अचंभित रह गए। तुरंत उनका ख्याल बदल गया। सुब्बाराव ने कहा कि मानसिंह के बारे में उन्होंने जो कुछ भी अखबारों में पढ़ा था या जो भी सुना था, वो मंच पर उसके बिल्कुल विपरीत लग रहा था। उसकी पर्सनैलिटी रॉबिन हुड की तरह थी, वो गरीबों का मसीहा लग रहा था। मानसिंह के वंशज अपने परिवार के उन सदस्यों के प्रति बहुत गर्व महसूस करते हैं जो बागी बन गए, और परिवार के सम्मान के नाम पर उन्होंने कई लोगों की जान ली। मानसिंह का 78 वर्ष का पोता जंडैल सिंह न सिर्फ मंदिर में अपने दादा की पूजा करता है, बल्कि उसने अपने जीवन की शुरुआत भी एक बागी की तरह ही की। 1953 से लेकर 1963 तक जंडैल सिंह डाकुओं के साथ दोस्ती करने के आरोप में जेल में रहा। अपनी मोटी सफेद मूछें घुमाते हुए वो कहता है कि उसके कई चचेरे भाई और उसके सभी चाचा चाची बागी थे, जिसमें से कि 4 चाचा थे। मानसिंह के 61 वर्षीय पुत्र नरेश सिंह का कहना है कि उसने अपने पिता को कभी नहीं देखा क्योंकि वो एक बागी थे। उसे लगता है कि पुलिस ने उन्हें मार डाला है। ग्रामीण कहते हैं कि मानसिंह अमीरों को लूटता था और जरूरतमंदों को उपहार देता था। यदि किसी गरीब किसान को अपनी बेटी की शादी के लिए धन मांगना होता तो मानसिंह उसकी मदद करता। ग्रामीण इस एहसान को कभी नहीं भूलेंगे, भले ही ये एहसान उनके दादा दादी पर किया गया हो। मानसिंह बागी था, ऐसा उनका मानना था, और बागी और साधु में कोई अंतर नहीं होता। डाकू से नेता बने मानसिंह के पुत्र तहसीलदार सिंह ने मुलायम सिंह के खिलाफ चुनाव भी लड़ा था, लेकिन वो हार गए। तहसीलदार सिंह से इंदौर के भंवरकुआं थाने में मेरी कई बार मुलाकात हुई। वो एक कुर्सी पर बैठकर पुराने दिनों की याद ताजा करते रहते थे। उनका पुत्र शेर सिंह राठौर उस वक्त वहां थानेदार था। बाद में वो मध्य प्रदेश पुलिस में DSP के पद से रिटायर हुआ। मानसिंह का भाई नवाब सिंह का पुत्र रणवीर सिंह पुलिस महानिरीक्षक के पद से रिटायर होने के बाद लखनऊ में रहता है। रणवीर सिंह का बेटा भावेश सिंह एक बार चुनाव भी लड़ चुका है। अंचल में ऐसा शायद ही कोई डाकू परिवार हो जिसके परिजन पुलिस में इतने ऊंचे ओहदों पर पहुंचकर रिटायर हुए। मानसिंह की लोकप्रियता ऐसी थी कि उसकी मौत के 16 साल बाद भी उस पर एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था डाकू मानसिंह। फिल्म में मुख्य किरदार दारा सिंह ने निभाया था। फिल्म का निर्देशन बाबूभाई मिस्त्री ने किया था और फिल्म सुपरहिट रही। साल 2019 में मानसिंह के जीवन से प्रेरित फिल्म सोन चिरैया बनाई गई। इस फिल्म में मनोज बाजपेयी ने मानसिंह का किरदार निभाया था। इस हिट फिल्म को अभिषेक चौबे ने डायरेक्ट किया।
साल 1984 में एक टीवी इंटरव्यू देते हुए सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने भी कहा था कि बचपन में उन्हें मान सिंह का नाम सुनकर डर लगता था। हर जगह मान सिंह के रोमांच से भरे जीवन की चर्चाएं जो हुआ करती थी। चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। देखते रहिए RSB Law।